दोस्तों, शतरंज किसने इजाद की? बादशाह ने शतरंज इजाद करने वाले की गर्दन क्यों उतरवा दी? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की दिलचस्प मालूमात आपकी डिवाइस पर आपको मिलती रहें। दोस्तों, शतरंज यानी चेस इसी खित्ते यानी सब कॉन्टिनेंट में इजाद हुई थी। ये गेम गुप्ता ख़ानदान के हुकूमत के दौरान सीज़र नाम के एक शख्स ने इजाद की थी। इसकी इजाद के साथ एक इंतहाई अहम और दिलचस्प दास्तान जुड़ी है। सीज़र ने गेम इजाद की तो बादशाह के पास हाजिर हुआ। बादशाह ने खुशी के आलम में सीज़र से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? सीज़र ने कुछ लम्हे के लिए सोचा और अर्ज़ की, हजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? सीज़र ने कहा, आप चावल के 64 खाने चावल से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने कहा, यह फार्मूला क्या है? सीज़र ने कहा, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रख कर दे दें, दूसरे दिन दूसरे खाने में 2 गुना, और तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के 2 गुना चावल डालकर दे दें, और इसी तरह चावल की तादाद को हर खाने में पिछले खाने से 2 गुना करते जाएं, यहाँ तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहकहा लगाया और शर्त मंजूर कर ली, और इस शर्त से वो गेम शुरू हुई, जिससे आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने जन्म लिया। ये बज़ाहर एक आसान काम लगता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मामा था, जो आज 3500 साल गुजरने के बावजूद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन चावल का एक दाना शतरंज के पहले खाने में रख कर सीज़र को दे दिया। सीज़र ने लिया और चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने दूसरे खाने में 2 दाने रख कर सीज़र को दिए, और तीसरे दिन तीसरे खाने में चावल की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज़ चावल की तादाद 8 हो गई। पांचवें रोज़ 16, और छठे दिन तादाद 32 हो गई। सातवें दिन 64, और आठवें दिन 128 हो गई। यानी शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने में चावलों की तादाद 128 हो गई। नौवें दिन उनकी तादाद 256, 10वें दिन 528, और 11वें दिन 1024 हो गई, और 12वें दिन यह तादाद 2048, और 13वें दिन यह तादाद 4096 हो गई। 14वें दिन यह तादाद 8192, और 15वें दिन ये 16384, और 16वें दिन यह तादाद 32768 हो गई। और यहाँ पहुँच कर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गईं, और बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि वो मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि वो खुद और उसके सारे मुशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिर तक पहुंचते चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई, और बादशाह को यह चावल मैदान तक लाने और सीज़र को देने के लिए दर्जनों लोगों की ज़रूरत पड़ गई। जब शतरंज की तीसरी रो का 23वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में चावल ख़त्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। उसने उसी वक्त रियाजीदान मंगवाए और उनसे पूछा, शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और उसके लिए कितने दिन चाहिए? रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, मगर वो वक़्त और चावलों का अंदाज़ा नहीं लगा सके। आखिरकार बादशाह ने तंग आकर उस सीज़र की गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, बाद में ये अंदाज़ा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। है कि
कि अगर 1-7-19-0 लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आ सकते हैं। और बिल गेट्स ने कहा कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें 18 अरब बोरियां दरकार होंगी। और इन चावलों को गिनने और शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये दिलचस्प मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की दिलचस्प मालूमात आपको आपकी डिवाइस पर मिलती रहें।